प्रदेश अध्यक्ष पद का कार्यभार ग्रहण करने वाले सांसद सुरेश कश्यप के साथ नए कैबिनेट मंत्री सुखराम चौधरी शिमला से अपने चुनाव क्षेत्र पांवटा साहिब को निकले हैं। उनका पांवटा तक कंडाघाट, सोलन समेत कई क्षेत्रों में स्वागत होगा। इधर शिमला के शोघी में दोनों का पहला स्वागत शिमला भाजपा ने किया। स्वागत कार्यक्रम जिला अध्यक्ष रवि मेहता की अध्यक्षता में किया गया। उनके साथ इस कार्यक्रम में प्रदेश प्रवक्ता बलदेव तोमर एवं प्रदेश उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम गुलेरिया भी साथ थे। भारतीय जनता पार्टी जिला शिमला का ये सौभाग्य है कि पूरे प्रदेश भर में हमने इस कोरोना टाइम में सोशल डिस्टेंसिंग के आधार पर आज प्रदेश अध्यक्ष जी सुरेश कश्यप जी का और हमारे जो नए मंत्री शिमला संसदीय क्षेत्र से जो बने हैं सुखराम चौधरी जी, उसका सौभाग्य शिमला जिला को मिला। और शिमला जिला में भी सबसे पहले शोघी में जो ये स्वागत हो रहा है, उसके लिए मैं सभी कार्यकर्ताओं का, यहाँ के सभी आम जन जो यहाँ पर उपस्थित एकत्र हुआ है, उसने पूरे प्रोटोकॉल जो कोविड 19 का है उसको फॉलो किया है। और उसको फॉलो करने के बाद में हम बड़े धन्यवादी हैं हमने हमारे प्रदेश नेतृत्व का, राष्ट्रीय नेतृत्व का, कि जो आज इस कोरोना टाइम में भी इस तरह का आयोजन जो है हम भारतीय जनता पार्टी के रूप में कर रहे हैं। तो क्या कार्यकर्ताओं में जोश है? पूरा उत्साह प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं में है। वो उत्साह यहाँ शिमला जिला के कार्यकर्ताओं में भी, जो माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने 3 मंत्री अभी नियुक्त किए और साथ साथ में हमारे नए प्रदेश के जो नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप जी हैं उनकी नियुक्ति हुई है, उनका उत्साह कार्यकर्ताओं में, हमारे नेताओं में और आम जन तक में भी नीचे तक में रोट हुआ है। उसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बहुत आभारी हूँ। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए शिमला से रमन शर्मा।